सिद्धार्थनगर जिले में बच्चियों के साथ हैवानियत का खेल आए दिन खेला जा रहा है। नया मामला है जिले के उसका बाजार थाने के एक गांव का, जहां 9 वर्षीय बालिका देर शाम अपने घर के बाहर खेल रही थी कि उस पर गांव के ही अजीत नामक युवक की नजर पड़ी और वह युवक इस मासूम बेटी को बहला फुसला कर पास के बाग में लिए चला गया और इस बच्ची के साथ हैवानियत भरा काम कर डाला। बच्ची के रोने चिल्लाने पर उसके साथ मारपीट भी की। किसी तरह बच्ची जख्मी हालत में अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई आप बीती घर वालों को सुनाई। घर वाले बेटी की आप बीती सुनकर दंग रह गए और इस बात की सूचना नजदीकी थाने पर दी। बच्चों की हालत नाजुक, हालत देखते हुए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की तबियत खराब था, मुँह पेट चला था, आईली देख ली लड़का हमारा बेहोश रहा। जब जिला अस्पताल में लेके आए लगली तब ओकर होश गए, तब पूछे लगली तब बतावे लागल कि अजीत नाम का हमारे साथ बलात्कार कैली से वहाँ 10 बीघा के अंदर ले जाके वहाँ 10 बीघा का आगे। अरे बाद में ऐसे आईली ही लेके गई फिर वहाँ उसका ब्लॉक में वहाँ सुई दवा थाने पर वहाँ करवाए गए, अप्लीकेशन लिखना, फिर वहाँ से यहाँ भेजना हम उनके यहाँ आईली। अपने बाद में हमें चाहे कुछ नहीं चाहे, हमें यह चाहिए कि उनका कारावास हो। एक लड़की थी जिसकी जो कि नाबालिग है और उस नाबालिग वो नाबालिग लड़की के जो माता पिता वो घर से बाहर गए हुए थे, तो पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने उसके साथ बलात्कार किया है। उस लड़की के पिता की तहरीर के आधार पे बलात्कार का मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार। टीवी 100 के लिए कृपा शंकर भट्ट की रिपोर्ट। इसमें आगे और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।